दोस्तों MT15 फाइनेंस कराने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ेगी। बाइक फाइनेंस कराने के लिए आपको सबसे पहले आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। आधार कार्ड अगर आपके पास है, और मुझे पता है कि भाई अगर आप इंडियन हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास आधार कार्ड होगा ही होगा। दूसरा, आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। पैन कार्ड की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमारा सिविल स्कोर देखने के लिए पैन कार्ड इसीलिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको 6 मंथ की बैंक पासबुक की फोटोकॉपी देनी पड़ेगी, जिसमें आपकी सैलरी आती है। जब भी आप कोई चीज़ फाइनेंस करा रहे हैं तो आपको फाइनेंसर कंपनी को दिखाना पड़ेगा कि मैं यहाँ से अर्निंग करता हूँ, यहाँ से मेरे पैसे आते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा 6 मंथ की बैंक पासबुक की फोटोकॉपी। अगर मान लीजिए आप जॉब नहीं करते, अगर आपका बिजनेस है, तो आई थिंक आप ITR फाइल कर दोगे, इनकम टैक्स रिटर्न। तो आप 2 साल का ITR फाइल करते होगे तो वो दे सकते हो। 2-3 फोटोज़ की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद इजिली आपके नाम से जो है बाइक फाइनेंस करके दे दी जाती है। बात करें MT15 के प्राइस के बारे में, MT15 एक्सरूम प्राइस अराउंड 1,65,400 रुपीज़, 1,65,400 रुपये की आपको ये बाइक एक्सरूम प्राइस देखने को मिलती है। बात करें इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो उससे पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि हर एक स्टेट एंड RTO मतलब स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हर एक स्टेट के RTO एंड इंश्योरेंस चार्जेस में फ़र्क होता है। ये बाइक हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ में ऑन रोड प्राइस आपको मैं बता रहा हूँ 1,97,000, 1,97,000 रुपये के आसपास की ऑन रोड प्राइस आती है, जिसमें आपको कुछ एसेसरीज भी देखने को मिलेगी। आप लोगों को क्या क्या प्राइस है आप बताना। दोस्तों आज की इस वीडियो में मतलब जो मैं कैलकुलेट किया हूँ इस DP को, मतलब EMI को, वो मैंने DP लिया है 57,000 रुपीज़, 57,000 रुपये आप पहले देंगे। अब आपका बचा हुआ अमाउंट कितना है? 1,40,000 रुपये। हमें निकालना पड़ेगा प्रोसेसिंग फीस। ध्यान रखिए, जब आप बाइक फाइनेंस करा रहे हो, चाहे किसी प्राइवेट कंपनी से कराओ, चाहे किसी गवर्नमेंट कंपनी से कराओ, हमें देना पड़ता है प्रोसेसिंग फीस। प्रोसेसिंग फीस डिपेंड करता है कि भाई कितना मतलब अमाउंट फाइनेंस हो रहा है। जनरली मैंने यहाँ पे बहुत काफ़ी देखा, पर आज की इस वीडियो में 10,000 रुपये लिया हुआ है। 1,40,000 प्लस 10,000 करोगे तो 1,50,000, 1,50,000 रुपये आपका टोटल अमाउंट हो गया। अब हमें निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। देखिए, कोई भी कंपनी हमें बाइक फाइनेंस करके दे रही है तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि उनका कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है तो भी देंगे, बिना फायदे के तो वो काम नहीं करेंगे। उस फायदे का नाम है इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, जो कि हम एक्स्ट्रा पे करते हैं उस कंपनी को। अब रेट ऑफ जो इंटरेस्ट होता है वो डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पे और आपकी सैलरी स्लिप पे। मैंने जनरली 4%, 5% से 10 से 14% तक देखा है। इस वीडियो में हमने 10% लिया हुआ है। 1,50,000 का आप 1 साल के हिसाब से 10% निकालोगे तो 15,000 रुपये आपके 1 साल का इंटरेस्ट आएगा। ध्यान कि 15,000 रुपए 1 साल का इंटरेस्ट है। मान लीजिए आप बाइक को 1 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो, 1,50,000 रुपये आपका टोटल अमाउंट है, उसमें आप 15,000 रुपये प्लस कर दो, टोटल अमाउंट अब हो गया 1,65,000 रुपये, 1,65,000। ध्यान रखिए, 1 साल के लिए फाइनेंस करा रहे हैं, ठीक है। 1,65,000 को आप 12 यानी कि 12 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं। आपकी मंथली EMI बनेगी लगभग 13,750 रुपये के आसपास। मान लीजिए दोस्तों आप बाइक को 2 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो, 2 साल के लिए आप सबको सबसे पहले 2 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। आपके 1 साल का इंटरेस्ट है 15,000 रुपये, 15,000 x 2 कर दो तो 30,000, 30,000 रुपये आपके 2 साल का इंटरेस्ट आएगा। आप 1,50,000 प्लस 30,000 कर दो तो 1,80,000 रुपये, 1,80,000 रुपीज़ टोटल अमाउंट आएगा। अब आप इसे 24 यानी कि 24 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 2 साल में 24 महीने होते हैं। आपकी मंथली EMI बनेगी लगभग 7,500 रुपये के आसपास की। मान लीजिए आप बाइक को 3 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो, 3 साल के लिए आपको सबसे पहले 3 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। आपके 1 साल का इंटरेस्ट है 15,000 रुपये, 15,000 x 3 कर दो तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 45,000 यानी कि 45,000 रुपये। अब दोस्तों 1,50,000 में 45,000 रुपये प्लस कर दो, टोटल अमाउंट हो जाएगा आपका 1,95,000, 1,95,000 रुपये। अब आप इसे 36 यानी कि 36 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 3 साल में 36 महीने होते हैं। आपकी मंथली EMI बनेगी लगभग 5,416 रुपये के आसपास की, जो कि आपको पे करनी पड़ेगी कब तक? 36 महीनों तक। श्वेता दोस्तों ब्रांड न्यू यामा MT15 का कंप्लीट डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगेगी लाइक करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।